अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं टेक्नो इन्फिनिटी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ नहीं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ ये बता रहा हूं कि आप लोग ने अगर ये वीडियो स्किप करा और नहीं देखा तो मैं पक्का गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग ये गेम फिर नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नहीं देखा तो मैं पक्का बता रहा हूं कि आप लोग नहीं खेल पाएंगे, ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिल पाएगा गोकू का, ना ही गेम रन कर पाएंगे, ये पक्की बात। तो दोस्तों चलिए, तो आप लोग अब देख लीजिएगा एंड तक। अब दोस्तों इस गेम के बारे में बात करते हैं। तो ये गेम वैसे है बहुत अच्छा गेम, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था यह वाला गेम कि मुझे मिल जाए जिसमें गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म हो और भी बाकी सारे ड्रैगन बॉल सुपर के कैरेक्टर्स हों। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मिल गया। मैंने पहले तो स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा वेस्ट करा था, लेकिन मुझे अब फाइनली मिल गया ये, तो मैंने कहा कि इस पर वीडियो भी बना देता हूँ जल्दी। और दोस्तों अब तो गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी आ गया है और वेजिटा का ब्लू वाला भी आ चुका है, लेकिन उसको ये दिक्कत नहीं है, जल्दी मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा, बना दूँगा, आप लोग वो भी ज़रूर डाउनलोड कर पाएंगे और खेल पाएंगे अपने डिवाइस में। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आप लोगों को मैंने भी देखा कि सर्वे ही सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे ऐड स्किप कर रहे हैं, लेकिन डाउनलोड नहीं हो पा रहा हमारा गेम। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा आप लिंक पर जाइए, डाउनलोड करिए, आपका गेम डाउनलोड होगा और रन भी होगा। तो दोस्तों आप लोगों को अभी वीडियो एंड तक देखिएगा, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा गेम है, ग्राफिक्स आप देख रहे हैं कितने अच्छे, ड्रैगन बॉल जेनोवर्स जैसे हैं यहाँ पे। आप लोग ये जो जहाँ पे हम लोगों की फ़ाइट हो रही है, जो एरिना है हमारा, देखिए लावा भी है उसमें और रॉक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम जेनोवर्स जैसा यहाँ पे लग रहा है, ड्रैगन बॉल जेनोवर्स जैसा हमारा गेम। तो ये काफ़ी मज़ा आएगी आप लोग जब ये गेम खेलेंगे, मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लिए, और पता है कि क्यों करना है, क्योंकि बेल का आइकन भी प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता ही है सारी चीज़ें, आप लोग वैसे इंटेलिजेंट है पहले से। तो देखिए अब यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे जेड आर्काइवर नहीं, हम लोग 7-Zipper यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्टिंग के लिए, क्योंकि जेड आर्काइवर से अगर आप एक्सट्रैक्टिंग करने बैठेंगे तो पता नहीं कितने साल लग जाए, एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी फाइल, क्योंकि मैंने जेड आर्काइवर से करी और वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो रही थी। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये इसकी जो डाटा फाइल है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, जिसकी वजह से जेड आर्काइवर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। तो 7-Zipper एक इसमें ये चीज़ है कि 7-Zipper से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आप दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मेरी वेबसाइट में उसकी लिंक मिल जाएगी, और मेरी वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए सीधा नॉर्मली जा करके इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लिए, और PPSSPP गोल्ड सब आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे जाके आराम से डाउनलोड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले जब ये PSP.7zip को यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यही वाली फाइल है जो जेड आर्काइवर से अगर आपके पास हो तो आप करके देखिएगा, 43% के बाद आगे ही नहीं बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी तो 10 मिनट बाद 44 होगी, बहुत धीरे धीरे एक्सट्रैक्टिंग होती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम इसमें नहीं, फाइल में नहीं, जेड आर्काइवर में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जो एक्सट्रैक्ट कर सके काफ़ी बड़ी फाइल्स को, कंप्रेस्ड फाइल्स को। इस वजह से यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्टिंग कितनी आसानी से हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं 3700 समथिंग फाइल्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे वही टेक्सचर्स हैं जिसकी वजह से हमारा वो जो गेम है बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है ISO फाइल के लिए, DOSUBS, स्टार्टिंग का D और लास्ट का S, दोनों कैपिटल में बीच में स्पेस है। तो बस आप अभी से फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पासवर्ड भी यही है, बस आपको याद भी रहेगा, ऐसे पासवर्ड देखना नहीं पड़ेगा, वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्टिंग जैसी हो जाएगी हमारी, फिर हमें नेक्स्ट कुछ नहीं करना है। और दोस्तों इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग क्या करनी है आपको, उसकी लिंक भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सेटिंग नहीं करेंगे तो भी गेम नहीं रन करेगा। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि अगर सेटिंग में दिक्कत हुई तो कहीं साउंड ना सही हो और रन ना करे, और आपको बस अपने जो PSP फोल्डर है उसको आ करके यहाँ पेस्ट कर देना है, और जो आपका पुराना वाला था उसको डिलीट कर देना है, और उसके अंदर का सेव डेटा को आपको अलग स्टोर कर लेना, और जब आप ये फोल्डर पेस्ट करेंगे तो इसके सेव डाटा के अंदर जा करके अपना जो पुराना वाला डाटा है उसको पेस्ट कर देना। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे करना क्या, सेकंड वाले गोकू में आना है, सबसे नीचे वाला फॉर्म और सबसे नीचे वाला कॉस्ट्यूम ले लेना, ठीक है। वो ले लेने के बाद आप लोग कोई सा भी यहाँ पर कैरेक्टर ले सकते हैं, जो सा भी आपका मन हो, ले लेने के बाद अब आप लोग अपना गेम खेलिएगा, इन्जॉय करिएगा, काफ़ी अच्छा गेम है, आपको मैं पक्का बता रहा हूँ, ज़रूर मज़ा आएगी इसमें। तो ये समझ लीजिए गोकू लेना है, सेकंड वाला सुपर सैयन टू के नीचे सबसे नीचे वाली फॉर्म, और उसके बाद जो कॉस्ट्यूम वाला कस्टमाइज वाला ऑप्शन आता है उसके नीचे सबसे नीचे वाली फोर्थ वाली कॉस्ट्यूम लेनी, तो आपका गोकू जो है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आएगा।
तो बस ऐसे ही करिएगा। और दोस्तों इसमें एक और बहुत अच्छी ये बात है कि गेम तो लैग नहीं करता ना, कुछ फोर्स स्टॉप होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। लेकिन इसमें कुछ बहुत नए कैरेक्टर्स भी हैं, मुझे भी अभी नहीं पता इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि एक एक जैसे कि जो स्क्रीन आती है कैरेक्टर की, उसके अंदर उसके कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब तो लैंग्वेज यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, जैसे कई सारी उसकी फॉर्म आ जाती हैं, फिर उसके अंदर कई सारी कॉस्ट्यूम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप अलग अलग कॉस्ट्यूम लेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे। जैसे आप अगर गोजीटा में अगर जाएँ, वहाँ पे जाकर देखिएगा, गोजीटा का सेकंड वाला फॉर्म और उसके नीचे सबसे फोर्थ वाली कॉस्ट्यूम, तो एकदम अलग कैरेक्टर आएगा वो, मुझे उसका नाम नहीं मालूम क्या है, लेकिन काफ़ी ऐसे बहुत से इसमें कैरेक्टर्स हैं। और जो जीरन जैसे कॉस्ट्यूम पहने था, वैसे ही टोपो जैसा समझ ली सेम एक कैरेक्टर है, बहुत बड़ी सी मूँछ है उसकी, वो भी एक है इसमें एक जगह पर, वो भी मैंने देखा था। तो आप लोग देखेंगे कहीं जीरन भी होगा इसमें ज़रूर, मुझे अभी नहीं मिला, अगर आप लोगों को मिल जाए तो मुझे फ़ौरन कमेंट में बताइएगा, मैं भी जीरन क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ, जीरन मुझे अभी तक मिला नहीं है इसमें, मिल जाएगा आप लोग को भी होगा इसमें, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि टोपो भी शायद है इसमें जहाँ तक की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।